दोस्तों ऐसा नहीं है कि जानवरों की हंसा देने वाली वीडियोस देखने के लिए आपको इन्हें पालना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो बिना पाले भी आप इनके हंसा देने वाली हरकतें हमारे इस वीडियो के जरिए बड़ी आसानी से देख पाओगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार और कॉमेडी से भरी होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखें। खाने की बात की जाए तो हर जानवर खाने के लिए हर बार ही भूखा होता है। जिन्हें सामने खाने के लिए मिल जाए ये उस खाने को खत्म किए बिना नहीं रुकते। मगर क्या सच में सारे जानवर ऐसे ही होते हैं? हमें तो नहीं लगता। और वो क्यों, ये आपको इस खरगोश को देखकर पता चल जाएगा। यहाँ पर ये भाई पालतू खरगोश को खाना देने की कोशिश कर रहा है, मगर अपने खरगोश भाई है कि कुछ खा ही नहीं रहा और ऊपर से ये खाने को पीछे सरका रहा है। अरे बाबा ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है? ले खा। नहीं चाहिए जी। ले लो। अरे ले लो। नहीं चाहिए। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे मेरा। भाई जानवर कब क्या कर देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जब ये बस्ती के मोड़ में होते हैं तब इनके अंदर अचानक से बॉक्सिंग का भूत चढ़ जाता है और ये सामने वाले को धो देते हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें अगली क्लिप में देखने को मिला, जिसमें अपना ये कुत्ता भाई आराम से बैठा हुआ था और सामने ये बिल्ली उसे लाड प्यार करने में बिजी थी, जिसके चलते अपना ये कुत्ता भाई बड़ा खुश हो गया। मगर तभी अचानक से बिल्ली ने इस पर हमला कर डाला। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर प्यार रूप बना लिया। मेरे साथ मजाक करेगा तू? कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मगर देखा जाए तो सभी जानवर ऐसे नहीं होते, कुछ इस हिरण जैसे शौकीन भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये हिरण रास्ता पार कर रहा था, मगर जैसे ही इसने देखा कि गाड़ी में बैठे हुए लोग इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब हिरण वही रुक कर कैमरे में देखने लगा और पोज देने लगा। यही नहीं, बाद में इस भाई ने रास्ते पर ही रैंप वॉक करना भी शुरू कर दिया, जिसे देखकर लगता है मानो कि यह भाई रैंप वॉक की पूरी ट्रेनिंग लेकर आया है। आपने अभी तक चूहे बिल्ली को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए कई बार देखा होगा, जिसमें चूहा बिल्ली को चकमा देने के लिए क्या कुछ नहीं करता। मगर अभी जो फाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बाकियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें ये बिल्ली चूहे के साथ नहीं लड़ रही, बल्कि ये दोनों चूहे एक दूसरे के साथ ही लड़ने में व्यस्त है और बिल्ली इन दोनों की फाइट देख कर शायद रेफरी बनने का काम कर रही है। खैर अगर ये बिल्ली गलती से भी इन दोनों के लफड़े में पड़ी तब इसे भी जोरदार घूसा मिलने वाला है। हाँ। खोपड़ी तोड़ छा लेगा। चोर चोर तू। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार चलेंगे। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालों खाना बाना खाते हो कि नहीं, जोर से घुमा के दो पेट में निकला। शेरों का शिकार बनने के बाद जानवर का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, मगर जब किस्मत साथ हो तब पासा पलटने में देर नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पर शेरों की पूरे परिवार ने मिलकर एक मोटे तगड़े भैंसे का शिकार कर लिया था और उसे खाने की तैयारी में लगे हुए थे। तब ये सोचकर मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो इन्हें भैंस की दावत उड़ाने मिलेगी। मगर इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ इसके दूसरे दोस्त पहुँच गए। इसमें से एक बहादुर दोस्त ने इन्हें शेरों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो भाई दूसरे भैंसों ने भी इन्हें शेरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक एक करके सारे शेरों की बैंड बजा दी। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।